वी विल बी डिस्कसिंग सून किसको क्या रैंक पे क्या मिल सकता है, सब कुछ डिस्कस जरूर करेंगे हम। जल्दी जल्दी से एक बार अपनी रैंक्स लिख दीजिए, चलिए जल्दी जल्दी से, सो दैट आई कैन टेल यू ऑल कि आपको कौन सा नाइपर मिल सकता है। जल्दी जल्दी से एक बार रैंक लिख लीजिए अपनी सबकी। चलिए जल्दी जल्दी से। गुड इवनिंग सर, मेडिकल डिवाइस में 367 रैंक है, ओबीसी में कौन सा नाइपर मिल सकता है? यू कैन ट्राई फॉर नाइपर अहमदाबाद, एंड वहाँ का एक्चुअली बहुत अच्छा है, वहाँ का एक्चुअली बहुत अच्छा है, यू कैन ट्राई दैट। यस यस एवरीबडी गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों की रैंक्स के वेट कर रहा हूँ। यस जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 362 रैंक पर क्या मिल सकता है? 362 रैंक पर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। 362 पर आपको नाइपर में कोर ब्रांच, हाँ अपना रैंक लिखो, एक सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है? अपनी रैंक लिखो, जो आपको चाहिए वो लिखो और कैटेगरी लिखो। रैंक चलते बनेंगे, जल्दी जल्दी से अपनी रैंक्स टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी से अपनी रैंक्स टाइप कर दीजिए एवरीबडी, जल्दी से। चलिए चलिए, यस सो सबसे पहले मेरे को मैसेज आया है 367 में मेडिकल डिवाइस मिल जाएगी क्या? नाइपर अहमदाबाद ट्राई, नाइपर अहमदाबाद बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, नाइपर अहमदाबाद एक बार ट्राई करना बच्चा। देन 307 रैंक पर मेडिकल डिवाइसेस, 307 पर मेडिकल डिवाइस बिल्कुल मिल सकती है, नाइपर अहमदाबाद फिर से करिए। एमटेक 128 रैंक, ओके एमटेक कीर्ति 128 रैंक, कीर्ति यू विल गेट एडमिशन इन नाइपर। जिन जिन लोगों को रैंक, अच्छा चलो मैं लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू, जिन लोगों की रैंक अंडर 500 है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर गेटिंग नाइपर, 500 है तो नाइपर बिल्कुल आ रहे हो, और टॉप 3 नाइपर में आ रहे हो, टॉप 3 नाइपर में आ रहे हो। 500 से 1000 में अगर आपकी रैंक है, इफ यू हैव रैंक बिटवीन 500 to 1000, तो आप लोग जो बॉटम वाले नाइपर है, कोलकाता गुवाहाटी रायबरेली, कोलकाता गुवाहाटी रायबरेली वहां जा रहे हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है आपको मिल सकता है बिल्कुल 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 सर। नेक्स्ट किसका मैसेज था? वन सेकेंड सर, EWS 570 बट कौन से प्लीज टाइप ऑल्सो, एमटेक में आपकी रैंक आई है 147 या सेशन 1 सेशन 2 किस में आई है, प्लीज टाइप दैट ऑल्सो, बिकॉज मैं आपको वैसे दिवश यदुवंशी ओबीसी 1268 रैंक, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 1268 रैंक में नाइपर मिलना, बट यू कैन ट्राई। भावना सचदेवा, बिल्कुल भावना सचदेवा मिल जाएगा आपको 468 में, बिल्कुल यू विल गेट, नो वरीज, मिल जाएगी रैंक आपको, मिल जाएगी रैंक आपको, बिल्कुल चिंता की बात है। इफ यू आर इन 1 to 500 या 1 to 200 तो आपको कोर ब्रांच भी मिल सकती है, अगर आप 1 to 200 के बीच में तो आपको डेफिनेटली कोर ब्रांच जरूर मिलेगी, बिल्कुल टेंशन ना ले, कोर ब्रांच जरूर मिलेगी, कोर ब्रांच जरूर मिलेगी। विच ब्रांच? ओके भावना वन सेकेंड, फिर से अपनी रैंक टाइप करिए क्योंकि वो मिसप्लेस हो गई मुझसे आपकी रैंक। 460 राइट, 460 में आपको मिल सकती है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जिन लोगों की रैंक 200 से 400 के बीच में आई है तो आप ये सारी रैंक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आपके सामने एक और पीपीटी लाऊं, जिस पीपीटी में आपके समक्ष सारे के सारे नाइपर के प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिखा है, जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी से वो पीपीटी आपके समक्ष ला रहा हूँ, जल्दी से आपके समक्ष ले आऊंगा मैं, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करिए।
तब तक आप लोगों की कोई डाउट्स है तो टाइप कर दीजिएगा, मैं उन्हें रिप्लाई दे देता हूँ। यस बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आ गया वो पीपीटी खुल गया, बस खुल गया, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये देखिए यही है वो पीपीटी। सो यस, अगर हम बात करें नाइपर सास नगर की, अगर आपको नाइपर मोहाली चाहिए तो ये रही कट ऑफ रैंक्स, ये रही कट ऑफ रैंक्स और ये नंबर ऑफ सीट्स, कट ऑफ रैंक्स ये रही और सीट्स ये रही। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, अपने मार्क्स गुजर लो, आपकी रैंक 110 के करीब है तो मोहाली आना पक्का है, सूटिक्स भी मिल सकता है, बहुत कम चांस है, आप पता ना करें। यस बोलते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए मुझे, बिल्कुल आपके डाउट्स के लिए ही हम है, आपके डाउट्स पूछते रहिए, मैं सारे चैट्स देख रहा हूँ, मैं सबके रिप्लाई दूंगा आज ही, डोंट वरी। 190 ओबीसी केमिस्ट्री मिल जाएगा, 190 रैंक में मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 107 मेडिकल डिवाइस मिल जाएगा, 129 मेडिकल डिवाइस कोलॉजी ओपन बिल्कुल, 80 इन एमटेक इन प्रोसेस केमिस्ट्री, मुश्किल है, मुश्किल है प्रोसेस केमिस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 389 इन, अरे यार ये क्या हो रहा है, यस 1318 रैंक एम फार्म, 1318 1300 रैंक में मुश्किल है नाइपर आना, मुश्किल है नाइपर आना 1300 रैंक में, मेन नाइपर आना मुश्किल है थोड़ा सा, यस मेन नाइपर आना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए 1300 रैंक में, सो वेट फॉर दैट, वेट फॉर दैट, 1300 रैंक में थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस मिल सकता है आपको, डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई ना कोई नाइपर तो मिल जाएगा आपको। अगर आपकी रैंक 1200 भी है ना, आपकी अगर कैटेगरी है तो आपको जरूर मिल जाएगा, टेबल ने चाहिए, बिल्कुल 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 मिल जाएगा, टेंशन ना ले। चलिए चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते, सबके रैंक्स लेनी है मुझे, सबके रैंक्स चाहिए। 239 फार्माकोलॉजी जया पाटिल, 239 फार्माकोलॉजी में आपको मिल जाएगा नाइपर हैदराबाद में, फार्माकोलॉजी मिल सकता है बिल्कुल, यू कैन गेट फार्माकोलॉजी नाइपर हैदराबाद। कृष्णा 1249 ओबीसी फार्मा, फार्मा सेशन 1 सेशन 2 लिखो प्लीज, सो दैट आई कैन गेट अ बेटर आइडिया। यस अपने पहले ये देखो अच्छे से, ठीक है ये देख लो पहले अच्छे से, इसका फोटो ले लो या जो भी ले लो, चलो देख लो आपकी रैंक्स जिस हिसाब से आप देख लो, नोट कर लो, मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ। नाइपर सास नगर की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर आपकी रैंक 110 के नीचे आई है तो जरूर आपको मिल जाएगा, जरूर आपको मिल जाएगा नाइपर मोहाली, आप जरूर कोर में आ जाओगे, है ना। या मैं सिंप्लीफाई कर दूं, मैं एक ही पेज पे आपको सब कुछ बता दूं कि आपकी रैंक कितने से कितने के बीच होगी तो आपको कहां जाना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको उसमें आइडिया लगा के देता हूं, ठीक है थोड़ा सा मैं आपके आइडिया बता देता हूं, है ना। चलिए 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 सभी के डाउट सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले, बट जस्ट एक मिनट दे मुझे, जस्ट एक मिनट दे मुझे, ठीक है। सो अगर आपको फार्मास्यूटिक्स मोहाली में, या तो इसी में देख लेते ना, इसी में मैंने शायद कर रखा है सारा, ये देखिए चलिए इसी में कर रखा है मैंने, फार्मास्यूटिक्स चाहिए तो अगर आपके रैंक, अगर आपकी रैंक मोहाली में ये कैटेगरीज में है, अगर जनरल में आपकी रैंक 20 तक आ रही है, 25 तक ये कैटेगरीज में अगर आपकी रैंक्स है, सो यू कैन गेट सिक्स, एक बार नजर ले लीजिएगा। हैदराबाद में चाहिए तो 60-65 रैंक तक भी जाते हैं, और पीटीएफ का कट ऑफ और हाई है, थोड़ा और आगे तक बढ़ता है, बिल्कुल टेंशन ना दे, थोड़ा सा और आगे तक बढ़ता है, ठीक है सर। वो रैंक्स कैटेगरी वाइज है या ओवरऑल रैंक्स है, वो जो रैंक्स है ओवरऑल रैंक्स, वो कैटेगरी रैंक्स नहीं है, आपको कैटेगरी रैंक्स दी जाएगी बहुत जल्द, डोंट वरी, आपको कैटेगरी रैंक्स आपके स्कोर कार्ड में भी आएगी। वो जो रैंक्स है दोज आर जनरल रैंक्स, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी की, सो फार्माकोलॉजी में आपको दिया ये है, आपका यूजुअली 100-190 तक चले जाता है, बिल्कुल 190 तक रैंक भी आ जाती है काफ़ी बार, सो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आप नाइपर मोहाली में कॉलेजी में आ जाओगे। एमबीए फार्मा एमबीए की अगर हम बात करें, सो यस
जिन्होंने एमबीए पे टिक करा होगा, आपको पहले ऑप्शन आया था, आपको पहले ऑप्शन आया होगा आपको एमबीए के में जाना है, अगर आपने टिक किया होगा देन ओनली यू विल बी टू सिट फॉर काउंसिलिंग, ठीक है, फिर ही आप काउंसिलिंग के लिए बैठ पाएंगे, वरना आप नहीं बैठ पाएंगे। सो आई होप कि वो बात सभी को क्लियर है, आई होप वो बात सभी को क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले उस एनेक्सर की आया है, सो हम एनेक्सर भी एक बार देख लेते हैं जो आया है, भेजा गया है, ठीक, बहुत जल्दी से देख लेंगे वो एनेक्सर। देन अगर मैं बात करूँ काउंसिलिंग की, 1 to 600 रैंक, 1 to 600 रैंक का 16 जुलाई है 8 बजे। अगर मैं बात करूँ 601 से लेके 1400 रैंक का है 17 जुलाई 8 बजे। अगर मैं बात करूँ 1400 रैंक ऑनवर्ड्स की है 18 जुलाई 8 AM। तो निराश मत होना, वॉट एवर इज योर रैंक प्लीज गो, आप काउंसिलिंग में जरूर जाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा ना, इट्स ओके, पर गुवाहाटी घूम के आ जाना, नाइपर गुवाहाटी भी अच्छी वाइब देता है, एटलीस्ट घूम के आओ बट अटेंड काउंसिलिंग। क्या पता आगे वालों को ना मिले, उसका कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या उसका मार्क्स ना आए हो सेमिस्टर के, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, वो सेमिस्टर में ड्रॉप हो। हमारे टाइम पे दिस इज अ लाइव एग्जांपल, किसी एक बंदे को नाइपर में बहुत अच्छी रैंक आ गई बट वो बीफार्म में अनफॉर्चुनेटली कुडेंट, सेमिस्टर 8 उसका क्लियर नहीं हुआ, ही गॉट अ KT एंड उसका सीट चली गई और दूसरे को मिली। सो आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए कि क्या पता आगे वाले बंदे की सीट मे बी वो ना ले। सो यस, बिल्कुल काउंसलिंग अटेंड सभी को करनी है। यस साक्षी, 2100 में मिल सकता है, 2000 के ऊपर अगर आपकी रैंक है, लेट मी टेल यू ऑल वेरी क्लियरली, 2000 के ऊपर मैं देखो, मैं ना झूठे वो नहीं देता, आई स्पीक फैक्ट्स, 2000 में अगर आपके ऊपर रैंक है तो 0% चांसेस, ठीक है, बहुत कम चांसेस पकड़ के चलिए, अगर आपकी रैंक 2100 वगैरह में है। सर 1500 में जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में भी यस, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड अगर आपकी रैंक 1200 के ऊपर है तो नो, प्लीज डोंट, बिल्कुल होप्स मत रखिएगा, नहीं मिल सकता है जनरल कैटेगरी से, ठीक है, 1200 के ऊपर जिनकी रैंक है। प्रथम अथर्व की कितनी आई है, अनिकेत 338 OBC MS, बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत OBC में हो जाएगा, 338 रैंक में हो जाएगा आपका, कौन सी ब्रांच से ये टाइप करना, अनिकेत 1600 में नहीं हो पाएगा, सॉरी साक्षी मिश्रा 2100 में, मुश्किल है डियर, मुश्किल है डियर। कृष्णा कालस्कर 1249, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल 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 कोशिश करिए, बिल्कुल कोशिश करिए, 487 में साक्षी आपको बिल्कुल मिल सकता है, SC कैटेगरी है, बिल्कुल मोहाली भी मिल सकता है, मोहाली में भी मिल सकता है आपको, अगर आप SC कैटेगरी से है तो बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते रहिए, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल। व्हाट विल बी द क्लोजिंग रैंक फॉर, बिल्कुल बिल्कुल यस, आगे बोलिए, आगे बोलिए, यस यस। नेक्स्ट किसका है सर, 555-1 में हैदराबाद, फाइव, देखो हैदराबाद में आपको रैंक्स फिर से बता देता, एक व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ अच्छे से, अगर आपकी रैंक 300 से कम है, वेलकम टू मोहाली, बिना सोचे समझे। अब ब्रांच कौन सी लेनी है वो मुश्किल आएगा, वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आप मोहाली आएंगे 200 से कम है तो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इफ योर रैंक इज अराउंड 600 ऑल्सो, नहीं 600 ज्यादा हो गई है, 500, वेलकम टू हैदराबाद, आपको नाइपर हैदराबाद भी मिल सकता है, नॉन कोर ब्रांच ऑफ कोर्स, रैंक तक तो नॉन कोर ही मिल जाएगी, बगर मिलेगी अप टू 700 या 690, वेलकम टू अहमदाबाद, वेलकम टू अहमदाबाद, बिल्कुल आपको मिल जाएगी बिना सोचे समझे। अगर आपकी रैंक है 750 के अंदर तो वेलकम टू गुवाहाटी, बिल्कुल नॉन कोर मिलेगा। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, जो 300 भी सपोज 200 वाले 290 वाले हैं तो उनको नॉन कोर मिलेगा, जिनकी रैंक आगे है मतलब करीबन 1 से लेके 50 तक। अच्छा कोई रैंक 1 से 50 है क्या इस लाइव में, एनी रैंक 1 से 50 किसी की रैंक है 50 में यहाँ पे अभी इसी वक्त के, है किसी की, यस किसी की है रैंक, जल्दी से बता दो,
जल्दी जल्दी से बता दो, कोई 1 to 50 वाला बजा बच्चा है क्या यहाँ पर? 1 to 50 वाला बच्चा है क्या यहाँ पर? यस, 149 रैंक में बायोटेक्नोलॉजी मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑन, यू विल गेट बायोटेक्नोलॉजी। यस सुयश, मोहाली में नहीं मिलेगा, हैदराबाद वगैरह में बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल 63 है मेरी रैंक। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड रैंक। ऋषिकेश 568, एम टेक, एनी चांस फॉर नाइपर? 68 नाइपर, यस। गुवाहाटी, कोलकाता, रायबरेली, बिल्कुल बिल्कुल ऑन है आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आपको। 2700, नो 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 नो, 2700 में आपको नहीं मिल पाएगा। 174 रैंक इन एम टेक इन मेडिकल डिवाइस में कौन सा नाइपर मिल सकता है सर? मोहाली नहीं मिलेगा, अहमदाबाद भी शायद मुश्किल। 174 मिल सकता है, अहमदाबाद मिल सकता है आपको, यू कैन ट्राई अहमदाबाद। यस बिल्कुल, जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के लिए आज जुड़ चुका हूँ। सो जल्दी जल्दी से आपके डाउट्स टाइप कर दीजिए, हम आपके डाउट्स सारे सॉल्व करेंगे। मैं फिलहाल रखा अनिकेत माहिवाल, अनिकेत माहिवाल 1600 रैंक, नॉट पॉसिबल डियर। 60, देखिए मैंने पहले ही बोला है, जिनकी भी रैंक जनरल में 1500 से ऊपर है, जनरल में 1500 से ऊपर रैंक, थोड़ी खतरे की घंटी है, ठीक है। मैं आपको झूठे होप्स नहीं दिलाऊंगा, आपको बुरा लगेगा लेकिन आज ही लगे, एटलीस्ट आप फैक्ट से रूबरू है ना, हम झूठा नहीं बोल सकते कि आपको मिल जाएगी, भरोसा रखो। जनरल कैटेगरी 1500 के ऊपर रैंक के नहीं मिलेगी, ठीक है, बी वेरी क्लियर विद दैट। बट ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। इतने सारे लोग यार, एक बार लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को भी बुला लो, उनकी भी रैंक्स पता चलेगी, आपको एक दूसरे की रैंक्स पता चल रही है। जस्ट वंस कॉल योर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से शेयर मार दो, जल्दी जल्दी से शेयर मार दो, आपके दोस्तों की रैंक भी पता चलेगी। अभी अभी मुझे आया है MBA के शॉर्टलिस्टेड एनेक्सर, MBA के शॉर्टलिस्टेड एनेक्सर मेरे पास WhatsApp पे एक PDF आया है, मैं अभी आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, अभी ही मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। बस दो मिनट रुकिएगा, बस दो मिनट रुकिएगा, मेरे मेल पे है वो, बस दो मिनट रुकिएगा, मैं जल्दी से मेल खोल के डाउनलोड कर लेता हूँ। यस, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, चलिए जल्दी जल्दी से आपके डाउट्स लिख दीजिए, हम बिल्कुल 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 आपके डाउट्स के लिए यहाँ पर, आपके डाउट्स के लिए हम यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक ये देख लीजिए, तब तक एवरीबडी जस्ट गो थ्रू दिस चार्ट, तब तक मेरा मेल ओपन हो रहा है। यस एवरीबडी गो थ्रू दिस चार्ट, मेरा मेल ओपन हो रहा है। चलिए चलिए आपकी रैंक टाइप कर दी जल्दी जल्दी से, आई एम वेटिंग, मैं सबकी रैंक्स पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी। रोहित 551 में हैदराबाद या अहमदाबाद में कोर ब्रांच सकती है? नहीं नहीं, 550 में बहुत मुश्किल है, जनरल कैटेगरी में हो तो। रोहित अगर आप कैटेगरी जनरल है तो फ्यूचर फार्मासिस्ट 28 इन बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 239 फार्माकोलॉजी हो गया, मैंने आंसर दे दिया इसको। विवेक 545 एम फार्म OBC, होप्स रखो रोहित। निशांत मिर्कले 168 MS इन बायोटेक्नोलॉजी, ये रहा वो पोस्टर, या हाँ वो MBA का शॉर्टलिस्टेड का पोस्टर, देखते हैं। चलिए कौन है इनमें से, कौन है जल्दी जल्दी बताना, किसका किसका नंबर निकला है, जल्दी जल्दी से टाइप करो, इनमें से किसी का नंबर है क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मुझे बता दो जल्दी जल्दी से, कोई है इसमें से, आप में से कोई है? ओहो ये तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, एक बार जल्दी से ये लिस्ट को देख लीजिएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एडमिशन प्रोग्राम फॉर MBA प्रोग्राम, जल्दी से देख लीजिएगा ये कौन है। रैंक 1 1181 फीमेल है, ओके ओके, कोई है आप लोगों में से इसमें? कृष्णा साइनी 1280 रैंक, एमफार्म OBC, कौन सा नहीं मिलेगा? 1200 में आपको रायबरेली कोशिश कर सकते हैं या कोलकाता, नॉट मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद फॉर श्योर। वंदा शेठ जनरल और EWS कंबाइंड रैंक देखना है या जनरल के लिए अलग? नहीं, EWS की रैंक अलग आती है, जनरल की रैंक अलग आती है। साहिल चौहान 3500 SC एनी चांस? आपको SC में यू विल गेट अगेन वो पुराने वाले नाइपर, गुवाहाटी, कोलकाता, रायबरेली, नॉट अहमदाबाद, हैदराबाद फॉर श्योर। 3500 में नहीं मिल पाएगा वो डियर आपको। यस इसमें किसी की रैंक है, इसमें किसी का नंबर है? काजल सर EWS की रैंक है 465। यस काजल 454। यस काजल 454 में EWS में मिल जाएगा आपको,
मिल जाएगा आपको। यस डोंट वरी हरीश गॉट इट 589 रैंक एससी कैटेगरी मिल जाएगा गॉट इट 589 एससी कैटेगरी मोहाली में मिल जाएगा। कॉलेज मिलना देखते हैं बट कोर मिलेगा आपको 589 एससी कैटेगरी में कोर मिलेगा है ना। एससी कैटेगरी में देखिए मेरी बात सुनिए, एससी कैटेगरी जिन जिन लोगों की है जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं अभी इस वक्त, अगर आपकी कैटेगरी एससी में अगर आपकी रैंक 1000 तक भी है तो आपको टॉप 3 स्नाइपर्स मिलने के हाई चांसेस है, मिल जाते हैं ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी बिल्कुल 1000 तक रैंक भी है तो भी मिल जाएगा टॉप 3 स्नाइपर्स में, ओके डोंट वरी। 725 ओबीसी कैटेगरी फार्माकोलॉजी अभी, अरे अभी क्या बात है, कैसे हो मेरे दोस्त, बिल्कुल मुश्किल है फार्माकोलॉजी मिलना, तो बहुत मुश्किल है नहीं मिल पाएगा। इलेमेटिक नैस 995 ईडब्ल्यूएस क्या चाहिए प्लीज, वन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यूर, जब आप अपने यूट्यूब कॉमेंट्स में टाइप कर रहे हैं योर रैंक विच सेशन क्या आपको चाहिए और आपकी कैटेगरी, ये चारों चीजें टाइप करेंगे तो मैं बहुत इजीली आपको बता पाऊंगा, नहीं तो मुझे वापस पूछना पड़ेगा और फिर मैं आपकी रैंक भूल जाऊंगा ऊपर जाके है ना। योर नेम, योर रैंक, योर कैटेगरी एंड विच सब्जेक्ट यू वांट, जैसे अभी वंदना शेट ने लिखा है 124 रैंक फार्मास्यूटिक्स नॉट इन मोहाली, मोहाली में नहीं मिल पाएगा, हैदराबाद में जरूर मिल जाएगा, हैदराबाद में आपको मिलने के बहुत अच्छे चांस है ठीक है। यस 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 शुभम सर 333 में एमबीए, 333 में एमबीए तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एमबीए ठीक है, बहुत ही मुश्किल है डियर ऑल। चलिए इसमें से किसी का नंबर नहीं है क्या, इसमें से किसी का नंबर नहीं है क्या, आप लोगों में से किसका नंबर है, आप लोगों में से ये क्या ब्रेव एड एडवर्टाइजमेंट आ गई है, यस आप लोगों में से किसका नंबर है, इसमें किसी का है टॉप 100 में है, ये क्या है यहाँ क्या लिख के आया था जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी, यस एनीबॉडी 1 to 376 जिनकी रैंक है उन्हें जाना है 14-15 जुलाई को। चलिए आपके डाउट टाइप करते रहिए, मैं आपके डाउट्स के लिए ही रुका हूँ। सर 729 ओबीसी कैटेगरी बहुत मुश्किल है, कॉलेज ही मिलना बहुत मुश्किल है अभिषेक सोनी इन 729 रैंक इन हैदराबाद और इन मोहाली, बहुत मुश्किल है टॉप 2 डिपार्टमेंट्स में। हाँ और आपका आपको नाइपर कौन सा टारगेट कर लो वो भी टाइप करो, तो मैं आपको पूरा एक साथ अच्छे से बता पाऊंगा कि आपको हाँ या ना में जवाब दे दूंगा है ना, सो इट विल बी क्लियर फ्रॉम योर साइड राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का जो पुराने हैं उनके मैसेजेस में अनफॉर्चुनेटली रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, मैं वापस आपके चैट्स देख रहा हूँ डोंट वरी। चलिए यस 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 चलिए यस चलिए हम कम क्यों हो रहे हैं, यस हमें एक दूसरे की रैंक जानने मिल रही है, सो रुकी रहिए यू विल कम टू नो आपके फ्रेंड्स के साथ। एक बार यार इतने सारे लोग देख रहे हैं प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बहुत हेल्प हो जाएगी, मैं आपके लिए ऐसे ही नाइपर काउंसलिंग के वीडियोस लाऊंगा क्योंकि आपको आगे जाके यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ डाउट्स, ट्रस्ट मी यू विल गेट लॉट ऑफ डाउट्स कि हमें क्या डॉक्यूमेंट कैसे अप्लाई करना है। हम थोड़ी थोड़ी हेल्प इस करते रहेंगे इस ब्लॉग से मेरे चैनल से, तो आपको बस क्या कर लेना है प्रेस द बेल आइकॉन एक बार सब्सक्राइब कर लेना है बस दैट्स इट। 189 ये ओ माय गॉड आपके रैंक आपके तो बहुत ही फास्ट रिप्लाई आ रहा है। चलिए राकेश गवाले 189 एससी कैटेगरी मेडिसिनल केमिस्ट्री बिल्कुल राकेश यस मिल जाएगा, वेलकम मोहाली मिल जाएगा। सर मेरी रैंक 1572 है एंड पीडब्ल्यूडी बिल्कुल मिल जाएगा, यस मोहाली मिल जाएगा प्रांजल डोंट वरी बिल्कुल। लाइन से चलते हैं ना एसके, इसके ऊपर के जो मैसेजेस है मैं वापस देखूंगा, अभी फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। एसके जनरल 875 नहीं मिलेगा सॉरी मुश्किल है। एमबीए 154 लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, 50-50 मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। रैंक 66 वेरी गुड साहिल ठाकुर क्या बात है, मिल जाएगा साहिल ठाकुर मिल जाएगा 66 रैंक में यस। मंगल बिरादर जनरल कैटेगरी 888 मुश्किल है, क्या चाहिए आप यार, मैंने प्लीज आपको बोला है आप रैंक टाइप करिए
आपकी कैटेगरी टाइप करे, आपको क्या चाहिए और कौन से नाइपर में चाहिए। देखो इस बंदे ने कैसे लिखा है, 149 एमटेक इन बायोटेक मोहाली मिलेगा, तो मैं इसको बता दूंगा हाँ मिल जाएगा। तो प्लीज ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके टाइप करिए, क्योंकि बहुत लोग हैं ना, हम आपके मैसेजेस का इंडिविजुअली रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज जनरल 124, वंदन आई थिंक सो हैव ऑलरेडी रिप्लाइड टू योर आंसर। श्रुति एम फार्म 1280 रैंक, एमटेक मेडिकल डिवाइस 174, मेडिकल डिवाइस में 174 रैंक है तो मिल जाएगा, बट मोहाली नहीं मिलेगा, अहमदाबाद में ट्राई करना, अहमदाबाद में भी मिल जाए। भार्गवी उरलाना 719 ओबीसी कैटेगरी हैदराबाद, यू विल गेट नॉन कोर मे बी, यू कैन ट्राई सिंस योर कैटेगरी इज देयर, सो यू कैन यू मेक यूज ऑफ दैट कैटेगरी। नॉन कोर, बट कोर नहीं मिल पाएगा भार्गवी, यू वोंट गेट कोर ब्रांच। राकेश, मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया इनका। अभिषेक सोनी 729 ओबीसी कैटेगरी कॉलेजी नो, आईआईटी सेन वर्ल्ड का कुछ था, अरे 1745 रैंक ओबीसी एनसीएल फार्माकोलॉजी नैनी नाइपर नो। निशा महारे 3112 एससी कैटेगरी, एम फार्म मिल जाएगा आपको, बट बोरे वाले आई मीन नाइपर तो सारे ही अच्छे हैं, थोड़े लेस आपको नाइपर रायबरेली कोलकाता में भी मिल सकता है, आप एक बार ट्राई करिएगा वहाँ। बिल्कुल कोर ब्रांच नहीं मिलेगी और मेन तीन नाइपर नहीं मिलेंगे इस रैंक पर। विवेक ओबीसी एम फार्म प्लीज रिप्लाई, यस 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 आई एम रिप्लाई, विच ब्रांच एंड विच कोर्स सर। विवेक यू कैन गेट एट 545 ओबीसी कैटेगरी नाइपर गुवाहाटी में नॉन कोर, और नाइपर रायबरेली में कोर भी मिल सकता है, यू नेवर नो ओबीसी कैटेगरी का कुछ। सर क्या इंटरव्यू के बाद रैंक हो इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल, देखो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल, लेट मी टेल यू ऑल ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे भी पलटता है। तो अगर कोई रैंक 12 होगा और कोई रैंक 14 होगा, लेकिन रैंक 14 वाले ने ज्यादा अच्छा पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन दिया है तो उसे प्रेफर किया जा सकता है। योर रैंक इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया जिससे आप एडमिशन मिलेगा, सो आपको पॉजिटिव रहना है, यही मैं बोल रहा हूँ ना, आपको पॉजिटिव रहना है। लेकिन अगर आपके इस रैंक के बाहर है तो फिर आपको उम्मीद छोड़नी चाहिए थोड़ी सी, है ना, आपको मैं वो नहीं उनमें से नहीं जो आपको फेक वो दिखाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपकी रैंक 1600 या 1500 के नीचे है तो आपको मिलना मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू कांट गेट, ठीक है, आप कितना भी अच्छा पर्सनल इंटरव्यू या कुछ भी करें। यस यस, एम आई ऑडिबल? शिट, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वॉज आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यूर? क्या मैं ऑडिबल था आप सभी को? प्लीज टाइप यस और नो, वाज आई ऑडिबल? चलिए ओके ओके ओके, ऑडिबल था ना, ठीक है चलिए। ओ माय गॉड, आप बहुत तेज रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए जस्ट अ मिनट। विक्रम सेकंड शिफ्ट एमटेक प्रोसेसिंग केमिस्ट्री ऑल इंडिया रैंक 85 ओबीसी कैटेगरी मिल जाएगा विक्रम। रोहित ऑल इंडिया रैंक 59 मेडिसिनल केमिस्ट्री मोहाली में 59 रैंक है ना ओबीसी कैटेगरी की, रोहित मिल जाएगा। राहुल राठौड 1072 ओबीसी कैटेगरी इन हैदराबाद में ट्राई फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स इफ इट्स देयर, ट्राई फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स, वो भी नहीं मिलेगा। ओबीसी एनसीएल, जी बिल्कुल ओबीसी एनसीएल जिन जिन लोगों का आपको जरूर मिल सकता है, आपकी रैंक के बेसिस पे आपको, मतलब अगर जिनके पास ओबीसी एनसीएल है, लेट मी टेल यू ऑल, हूएवर हैज ओबीसी एनसीएल आपको डेफिनेटली मिलेगा, अप टू 500-600 की जिनकी रैंक है ना उनको मिल जाएगा, जिनकी ओबीसी एनसीएल है और उनको टॉप 3 नाइपर्स में मिलेगा। नॉन कोर में भी, बट जिनकी रैंक 500-600 में ओबीसी एनसीएल है, देन यू माइट गेट अ गुड रैंक, ठीक है। हरीश सेशन 1 में 856 फार्माकोलॉजी नहीं मिलेगा। सौरभ 3925 फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन, यू वोंट गेट हियर। यश क्लैशिंग सर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी 99 रैंक ओबीसी मिल सकता है, हाई चांसेस यू माइट गेट। यस
बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। चलिए मैं ये जो लाइव है ये मैं 8 बजे अभी बंद कर दूंगा, एंड आपके लिए कल एक और लाइव लेकर आऊंगा जिसमें डिटेल्ड वीडियो होगी रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग विच रैंक पे कौन सा मिलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, 8 बजे तक ही मैं एक्सेप्ट करूंगा क्वेश्चन, 8 बजे के बाद मैं आपके लिए लाऊंगा वीडियो, या कल हम लाइव जाएंगे फिर से आपके डाउट्स तब सॉल्व करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग डाउट्स दे रहे हैं, सो इट्स रियली डिफिकल्ट। फार्माकोलॉजी ओबीसी 483 नहीं मिल पाएगा, मोहाली में नहीं मिल पाएगा, हैदराबाद में नहीं मिल पाएगा। हैदराबाद में आपको 400 तक भी होता है ना मैक्स, तो मिल सकता था पता आपको हैदराबाद में 450 तक भी, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, क्या पता कोई रैंक वैंक छोड़ दे और आपको मिल जाए, बट लिटिल डिफिकल्ट। सर ओबीसी बायोटेक ऑल इंडिया रैंक 156, यस ट्राई फॉर इट। सर 217 रैंक है जनरल कैटेगरी, एमबीए, एमबीए नहीं मिल पाएगा उस रैंक में, उसका रैंक में इफ यू आर जनरल कैटेगरी यू वोंट गेट। देखिए मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखा है इस पे, आपको क्या करना है मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देखनी है, ऑफ हाउ मच स्कोर कट ऑफ रैंक नंबर ऑफ सीट्स। तो अभी 110 रैंक है आपकी, तो आपको जनरल ईडब्ल्यूएस को या जनरल क्यों, ठीक है, सो आपको उस हिसाब से देख लेना। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो मे बी आपको मामास्यूटिक्स भी मिल सकता है एक बार, पीटीएफ फॉर्मुलेशन है ना, सो वो एक बार देख लीजिए आप कि ये टेबल में विच सब्जेक्ट, और ये मोहाली है सिर्फ स्पेसिफिकली, ठीक है। इसके बाद मैंने इंडिविजुअली हर मोहाली का हैदराबाद का दे रखा है, मोहाली का हैदराबाद का ऐसे टाइप है, देखो हैदराबाद मोहाली, सो ऐसा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मेरे ही चैनल पे ये वीडियो है, अगर नहीं वो प्लेलिस्ट में जाके जल्दी से ये वीडियो देख लेनी है, सो यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया, ठीक है। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कराया प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, ठीक है, आपके डाउट्स चलिए चलिए चलिए। सर 267 रैंक एम फार्म फार्माकोलॉजी जनरल कैटेगरी, मोहाली में नहीं मिलेगा, हैदराबाद में मिल सकता है, यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ट्राई कर लीजिएगा। हेलो हेलो यस, चलिए और बताइए, यस 2223 ओबीसी रैंक एम फार्मेसी नैनी कैटेगरी 2233 2223 रैंक पे, बहुत मुश्किल है, नो आई दुष्यंत 198 से रैंक ओबीसी केमिस्ट्री मिल जाएगा, मिल जाएगा ओबीसी केमिस्ट्री मिल जाएगा। ऋषिकेश बंसारी, प्रत्युष आनंद 109 ओबीसी एमटेक, यस प्रत्युष मिल जाएगा, मिल जाएगा। हरीश सीजन वन सेशन वन जनरल कैटेगरी 856 चली गई रैंक आफ्टर गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी हैदराबाद सॉरी गुवाहाटी कोलकाता रायबरेली ट्राई करो, मिल जाएगा नॉन कोर, वहाँ ट्राई कीजिए। और जिनके डाउट्स मैं अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मुझे वो व्हाट्सएप भी करते, अगर मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं मैसेज कर पा रहा हूँ तो कल मैं एक और बार लाइव आऊँगा, डोंट वरी डोंट पैनिक, आपके मैं डाउट सॉल्व करूँगा ही करूँगा, बिल्कुल चिंता ना करिए, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए यस प्रवीण 4200 रैंक नहीं मिल पाएगा डियर, नहीं मिल पाएगा डियर 4200 में, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट इन 4200। यस टाइप करते रहिएगा। चलिए चलिए ओबीसी एनसीएल 1200 कोई भी कैटेगरी में मिल सकते हैं। अभिषेक कुमार बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी ब्रांच देखो, चलिए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इफ यू वांट एनी नॉन कोर ब्रांच, एनी नॉन कोर फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स या फिर प्रोसेस केमिस्ट्री या फिर पीटी बीटी नॉन कोर ब्रांच क्लिनिकल रिसर्च, तो उसमें अगर आपकी रैंक हुई, उसमें अगर आपकी रैंक
हजार में भी है ना, नॉट जनरल, जनरल ईड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको काफी चांस है कि आपको अहमदाबाद भी मिल जाए उस केस में, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जिनको कोर ही चाहिए और मोहाली में ही कोर चाहिए, दोज हू वांट कोर एंड मोहाली में ही, सो अगर आपकी रैंक आई है 200 से नीचे, 150 से नीचे, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सॉरी 150 से नीचे, तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कोर, ठीक है, सॉरी ऊपर 150 के ऊपर। अगर आपको कोर चाहिए हैदराबाद में, इफ यू वांट कोर इन हैदराबाद, ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि आपको कोर चाहिए लेकिन हैदराबाद से चाहिए, ठीक है, तो आपको रैंक बिलो 250 लानी है। जैसे एनालिसिस में कोर जो है आपको मिल जाएगा, 250 के नीचे भी मिल जाता है जनरल कैटेगरी से, जनरल ईडब्ल्यूएस से। अगर आपको अहमदाबाद में कोर ही चाहिए तो अंडर 300, ठीक है। अगर आपकी रैंक इनसे ज्यादा है कोर में, जनरल कैटेगरी में, तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट, बहुत कम चांस है आपके, बट आप होप्स हाई रख सकते हो। ऑफकोर्स मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, हो ना हो वो सेकेंडरी है, ठीक है। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कल हम फिर से लाइव जाएंगे एंड कल मैं आपके फिर से डाउट सारे सॉल्व करूंगा। एंड काउंसलिंग का प्रोसेस इज वेरी टीडियस, ट्रस्ट मी, रिगार्डिंग के कैसे क्या लाना है, क्या देखना है, कितना है, क्या है ना, जैसे नंबर कितना, क्या फॉर्म है, कौन सा एनेक्सर कितना भरना है वगैरह, नोटरी कैसे करनी है, सो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और हमसे ही मिलेगी, तो आप बेटर है कि आप जुड़ जाए उसमें, जुड़ जाइएगा। इसमें से कोई है, अच्छा इसमें ये जो MBA का प्रोग्राम है, जिन जिन लोगों की रैंक इसमें 100 के नीचे है जरा मैसेज करिएगा, जिन लोगों की रैंक इसमें 100 के नीचे है उनके बहुत हाई चांस है उनका MBA लग, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स, सर जीपैट के रिजल्ट के बाद ही होगा ये सब, यस यस ऑफ कोर्स, तभी आपको 14 जुलाई से बुलाया गया है ना, क्योंकि इफ आर नॉट जीपैट क्वालिफाइड तो आप नाइपर जाके करोगे क्या, वंस योर जीपैट, हाँ ये भी पॉइंट है, यस ये तो मैं बोलना ही भूल गया, मेन पॉइंट, कोई लीव मत करना अगले 2 मिनट तक, तो कोई लीव मत करना भैया, तुम तो निराश हो गए तुम्हारी रैंक देख के, क्या पता जिसकी नाइपर में रैंक आगे आई है उसकी जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ, तब आपके चांस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल योर चांसेस विल इंक्रीज, सो प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड, क्या पता जिसका नाइपर में बहुत टॉप 100 में रैंक है वो जीपैट क्वालिफाइड ही नहीं है, जीपैट क्वालिफाइड होगा तभी वो नाइपर भी बैठ पाएगा ना, तो प्लीज बी पॉजिटिव, नाइपर की रैंक्स भी तो इम्पॉर्टेंट है, इफ इज नॉट जीपैट क्वालिफाइड तो वो नाइपर में करेगा क्या। अमन राही 95 बताओ ना सर, 95 में मिल जाएगा, मिल जाएगा कोर मिल जाएगा। फार्मेसी रेंजर्स 109 एमटेक इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। खुशबू 2300 रैंक नो चांस, चेतन 2200 रैंक ओबीसी एनसीएल वेरी लेस चांस, 122 रैंक है मेरी सर, कुछ भी मिलेगा क्या, 1200 रैंक में आपको नॉन कोर मिल जाएगा, कोलकाता रायबरेली जैसे नाइपर्स में मे भी मिल सकता है आपको वहाँ, ठीक है ठीक है। सर आई अप्लाइड फॉर सेशन 2, व्हाट आर द ब्रांचेस, 128, बिल्कुल कीर्ति यू विल गेट अ गुड, यू विल गेट डोंट वरी, 154 ओबीसी एनसीएल हैदराबाद एमबीए मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। सर 920 ओबीसी गुवाहाटी मेडिकेम, 920 में ओबीसी कैटेगरी गुवाहाटी में मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम ना एक बार नाइपर का कट ऑफ देख लेते हैं 2023 का, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो तो है ही एक, ठीक है, इन केस अगर कोई है तो,
ये देखिए, ये जो है ये रायबरेली का कट ऑफ है ऑन्कोलॉजी की रैंक का, तो आपको ये दिख रहा है इसमें जनरल अगर आपकी रैंक 400 से 500 में भी है तो भी आपको फार्माकोलॉजी मिल जाता है गुवाहाटी में, सॉरी रायबरेली में। सो आप देख सकते हैं इस इमेज के मे भी आपके चांस हो सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, टाइप करते रहिएगा, मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा। सर बेस्ट नॉन कोर, अच्छा चलो भैया लोग ये बहुत, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगर कोर नहीं मिल रहा है तो नॉन कोर में सबसे बेस्ट क्या है। देखिए वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व, मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसिस के बेसिस पे ये जज करूंगा। सो फार्मा को इन्फॉर्मेटिक्स काफी अच्छा नॉन कोर सब्जेक्ट साबित हो रहा है। PTBT फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी PTBT काफ़ी अच्छा प्रूव हो रहा है, प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, स्कोप अच्छा है। चौथे नंबर पे मैं रखूंगा फार्मेसी प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल रिसर्च को, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे और का नॉन कोर है PTPC प्रोसेस केमिस्ट्री, तो क्योंकि दीज टू ना दे आर इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स, ठीक है, ये जो दो कोर्स है ना दीज आर इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स, तो आपको इंडस्ट्रीज उठाती है तुरंत ही, ठीक है, तो आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल रहेगा एज अ नॉन कोर में। ये सीक्वेंस होनी चाहिए नॉन, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड कोर में ऑफकोर्स, आपके पास है सूटिक्स कॉलोजी एनालिसिस, मेरे हिसाब से ये तीन मेन कोर के सब्जेक्ट्स हैं। अगर चौथा प्रेफरेंस देना है तो आप मेडिकेम को दीजिए और नेचुरल प्रोडक्ट्स को दीजिए, ठीक है। अगेन इंटरेस्ट पे, ये आप सबके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपकी रैंक अच्छी, रैंक किस हिसाब से फॉल करता है आप उस हिसाब से सिलेक्ट करिए, सो डेफिनेटली आपका हो सकता है, ठीक है। एंड जिन लोगों की रैंक आ चुकी है बहुत अच्छी, नाइपर मोहाली के व्लॉग्स देखना शुरू कर दें मेरे ही चैनल पे नाइपर मोहाली के व्लॉग्स देखना शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज आपको बहुत जल्द आप मिलेंगे मुझसे, तो यस एक बार जल्दी से देख लीजिएगा वो भी, है ना सर। OBC 119 केमिस्ट्री मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा मोहाली में केमिस्ट्री, सॉरी, बहुत मुश्किल है। Let's hope for the best. सर 252C, नहीं, S252C में SC कैटेगरी में आपको हाइपर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मोहाली हैदराबाद तो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रायबरेली, कोलकाता वगैरह, ठीक है। बिल्कुल चलिए, बढ़ते चलिए आगे, और पूछिए आपके डाउट्स। बिल्कुल 982 में MBA के चांस है, बिल्कुल मिल सकता है MBA 92 आपको, यस। 2301 में EWS में, ओहो बहुत ही ज्यादा डाउट्स है आप लोगों के, तो बहुत ज्यादा है, इतने हम आज नहीं सॉल्व कर पाएंगे डियर, हम बिल्कुल कल आ जाएंगे, कल फिर से लाइव आएंगे, और हम कल सुबह ही लाइव आएंगे, बिल्कुल सॉरी कल दोपहर को लाइव आ जाएंगे हम फिर से, दोपहर को आप सबके डाउट्स बिल्कुल से हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल टेंशन लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी मुझे थोड़ी देर में करना पड़ेगा लाइव, तो लेट्स होप कि आप लोगों में से ज्यादा लोगों के डाउट्स सॉल्व कर पाए हम।
यस टाइप कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, चलिए चलिए। सर ओबीसी में 847 एल में कुछ हो पाएगा क्या? नॉन को, नॉन हो पाएगा, बिल्कुल नॉन कोर हो पाएगा, कोर नहीं हो पाएगा, कोर बहुत मुश्किल है। हाँ केमिस्ट्री वाला कोर हो पाए, अगर आपको केमिस्ट्री में जाना है और नेचुरल प्रोडक्ट्स मे बी यू कैन गेट। ऑफ कोर्स हैदराबाद मोहाली तो नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवी क्रिएशन 2300 रैंक में ईडब्ल्यूएस में एनी नाइपर? नो महरीन अख्तर, मशीरा अख्तर 760 जनरल कैटेगरी कोर? नहीं, नो नॉट पॉसिबल। श्रेया पटेल 369 बायोटेक अहमदाबाद, चांसेस चांसेस है। निशा मेहरे 3112 रैंक? ओ हो, बहुत ही ज़्यादा रैंक हो गई डियर आपकी, मुश्किल है थोड़ा सा, लेट्स होप। सर प्लीज़ बताइए 1800 रैंक ओबीसी कैटेगरी पे नाइपर मिल सकता है क्या? मैं नाइपर नहीं मिलेगा, 1133 रैंक पे विच नाइपर कैन आई गेट? बिल्कुल बिल्कुल, आप 1133 रैंक पे जनरल कैटेगरी में तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। फार्मास्यूटिक्स 441 जनरल कैटेगरी, फेज नहीं मिल पाएगा, सॉरी। लुसिफर 681 में मोहाली में कोर? नो नो लुसिफर। हैदराबाद में कौन सी ब्रांच लू? हैदराबाद में आपको 681 में तो यार मिलनी चाहिए, एक बार ट्राई करना नेचुरल प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसी ब्रांच एक बार। सूटिक्स कॉलेजी तो नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री एनालिसिस भी नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री मिल सकता है, एक बार ट्राई कीजिएगा। अच्छा लोगों के मार्क्स कितने आए हैं? 62, 65, 67, 54, आपके मार्क्स बता दीजिएगा। मेघना पेंडालय 1133 विच नाइपर कैन आई गेट जनरल? बहुत मुश्किल है मेघना, आपको 1133 रैंक जनरल में नाइपर में बहुत मुश्किल है। मैंने बोला पहले ही 1000 रैंक के ऊपर जनरल कैटेगरी में नाइपर मिलना इज टफ, बट क्या बोला मैंने, होप्स नहीं छोड़ने हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, होप्स नहीं छोड़ने, क्योंकि क्या पता आपकी रैंक नाइपर में अच्छी है बट जीप में क्वालिफाई ना हो वो बंदा, या उसकी खराब आ जाए रैंक, यू नेवर नो। तो अगर आपकी रैंक नाइपर में अच्छी भी होगी तो आप आगे हो सकते हो, क्योंकि जीपैट में वो बंदे का क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आपको होप्स हाई रखने, अपने बिल्कुल भी होप्स नहीं छोड़ने हैं। एम फार्म 577, एम टेक 61, एम टेक 61 में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आपको एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा, प्रोसेस केमिस्ट्री का भी एक बार देख लेना वो भी मिल जाएगा। विनायक पनीग्रा सी यू एट नाइपर, आपको नाइपर में मिलेंगे हम। त्रिशा 1788 एससी कैटेगरी मिल जाएगा, त्रिशा यू विल गेट, बट आपको मिलेगा कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा, सूटिक्स भी नहीं मिल पाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी नहीं। केमिस्ट्री ट्राई करिएगा या आप ट्राई करिएगा बायोकेमिस्ट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मेहताब आलम पर 1321 जनरल ईडब्ल्यूएस, मुश्किल है मुश्किल है। चंद्रगिरी नरेंद्र साई 550 एमटेक बायोटेक, बिल्कुल 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 मिल सकता है, एससी कैटेगरी से हाई चांसेस चंद्रगिरी नरेंद्र साई आपको मिल जाएगा एडमिशन। श्रद्धा नंदन तिवारी 48 मार्क्स 1021 रैंक जनरल, होप्स हाई रखो, बहुत मुश्किल है बट होप्स हाई रखिएगा। 550 एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, ओके
चलिए चलिए, तो हमें लाइव क्लोज करनी पड़ेगी, मुझे एक इंटरव्यू लेने जाना है बहुत जल्दी। सो चलेगा क्या? ठीक yes. आप लोग कल मेरे लाइव में जुड़ जाइएगा, कल मेरा एक और लाइव होगा। कल आई विश मैं सुबह लाइव लेता, बट सुबह आई हैव अ कॉन्वोकेशन, सो आई वोंट बी एबल टू टेक योर लाइव टुडे, टुमारो मॉर्निंग। यू आर वेलकम। जिन जिन लोगों के डाउट सॉल्व नहीं हुए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम कल भी सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स, एंड हम देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कल सॉल्व करेंगे हम आपके डाउट्स। ठीक है, 552। चलिए मैं आपको एक और ना अच्छे से सिंपलीफाई करके दे देता हूँ। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप एससी एसटी वगैरह के हैं, ठीक है, अगर आपको मोहाली चाहिए, ठीक है, यहाँ मोहाली लिख देना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है फॉर, सो जस्ट रुकिएगा, बिल्कुल लीव नहीं करना है सबने। यहाँ लिख देते हैं हैदराबाद, यहाँ लिख देते हैं अहमदाबाद, और फिर लिख देते हैं जो बाकी के तीन बचे वो, ठीक है, रिमेनिंग 9 बर्ड्स, यानी कोलकाता, रायबरेली, गुवाहाटी वगैरह, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें जनरल में, अगर आपको कोर चाहिए, ठीक है, अब इसमें भी दो शर्तें हैं, कोर एंड नॉन कोर, कोर एंड नॉन कोर। कोर में चाहिए तो आपको रैंक 100 के नीचे लानी पड़ेगी, नॉन कोर चाहिए तो 280 तक रैंक चले जाएगी, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपको रैंक लानी होगी 150 और ये 300। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी एनसीएल नेशनल का जो है, ओबीसी एनसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस विल एक्सटेंड अप टू 160 और 180 कर दीजिएगा, और ये मैक्स 310 कर दीजिएगा। एससी एसटी को तो चल जाता है, उन्हें मिल जाती है 500 तक भी रैंक्स, नॉन कोर तो उन्हें मिल जाता है 800-900 तक भी, ठीक है। ये है मोहाली का। हैदराबाद के लिए थोड़ा और बढ़ा दीजिए, इसको 100 है तो अब इसको थोड़ा सा आप कर दीजिए 120, इसको आप कर दीजिए 300, मतलब 20-30 रैंक यहाँ वहाँ कर देने से हो जाता है अहमदाबाद हैदराबाद में, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर रैंक, ठीक है, अगर इफ यू फॉल विद इन दीज रैंक्स वेलकम। 560 है और ये है 900, ठीक है। ये 190 है, ठीक है। यू फॉल विद इन दिस, सो आप सभी के डाउट्स इस टेबल से सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। अगर आपकी रैंक्स इन सबों में आ रही है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको वो मिल सकता है। पांच सौ नब्बे है, ये 950, ठीक है। अब आपको कोई और भी नाइपर चाहिए तो आपको उसके लिए रैंक, जनरल कैटेगरी वालों की मैं बात करूंगा, आपको कोई भी नाइपर में कोर चाहिए, कोर स्पेसिफिकली कोर, तो आपको कोई भी नाइपर के लिए रैंक तो 300 तक आनी ही है। अगर आपको कोर में जनरल कैटेगरी में 300 के ज्यादा है या 400 ज्यादा, चलिए 450 तक भी चले जाती, तो इसके बाद आप मत एक्सपेक्ट करिएगा। नॉन कोर आपको चाहिए तो आप एक्सपेक्ट करिए 600 तक। देन अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ये ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी एनसीएल है, एससी एसटी है,
तो यहाँ आप कर लीजिएगा 500, यहाँ कर लीजिएगा 700, यहाँ कर लीजिएगा 600, यहाँ कर लीजिएगा 950 तक भी जाता है काफी बार। और SC ST तो यहाँ पे 1400 करिए और 1000 करिए, ठीक है। सो अगर आपकी इन सब में रैंक्स आ रही है सो आपके बहुत हाई चांस है। अभी मेन चीज, व्हाट इज द मेन थिंग, अगर आपकी इन सब में रैंक आ गई ठीक है, लेकिन अगर GPAT क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगर आपकी रैंक पीछे भी है लेकिन अगर आपके आगे वाले का GPAT क्वालिफाई नहीं है तो आपको वो मिल जाए ना सीट। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू ऑल, गो फॉर काउंसिलिंग, सिट फॉर काउंसिलिंग। 2400 रैंक के चांस है, नहीं यार बहुत मुश्किल है। 2000 देखिए, मैं पहले बताऊँ, 1500 से जिनकी रैंक ज्यादा है वो बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगेन, नॉन कोर में आपको मे भी मिल सकता है इफ कोई आगे वाला GPAT, बिकॉज GPAT के रिजल्ट्स नहीं है हमारे पास। इफ देर इज नो बडी हु इज क्वालिफाइड GPAT तो मे भी जरूर। सर 357 आए हैं जनरल कैटेगरी मोहाली में मेडिसिनल केमिस्ट्री। एक ही सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड विकास, मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का कट ऑफ जो है वो भूल चुका हूँ, मैं ज़रा चेक करके बताता हूँ। 300 कितने, 50 है जनरल कैटेगरी में, यार नहीं हो पाएगा, 220 पे अटक जाता है। ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी है हाँ, तो फिर हाँ चांस है, चांस बोलूँगा मैं, पक्का नहीं बोलूँगा, फिर भी चांस काफ़ी हाई है कि आपको मिल जाए। चलिए चलिए, और कोई डाउट्स है आप लोगों के, अगर है तो हम कल करेंगे, अगर है तो हम कल करेंगे। यस, चलिए चलिए, शैल वी क्लोज, कल आ जाइएगा लाइव मेरे साथ, कल मेरे साथ लाइव आ जाइएगा आप सब लोग, और ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ये टेबल की वैल्यूज आगे पीछे होगी, ठीक है, ये टेबल की वैल्यूज आगे पीछे होगी। सो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इनकी वैल्यूज आगे पीछे हो आपको घबराना नहीं है। जिसका GPAT क्वालिफाई हुआ है क्या पता उसका आ जाए, तो प्लीज अपनी होप्स हाई रखिए, प्लीज अपनी होप्स हाई रखें, ठीक है। एंड जो मेरे साथ, अगर आपको मेरे सेशंस ने करी हो तो प्लीज मुझे टेक्स्ट करके बताइएगा कि अगर मेरी वजह से अगर आपकी रैंक थोड़ी सी भी आने में आपकी हेल्प हुई है, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट इट, डू लेट मी नो अबाउट इट। चलिए, वी विल क्लोज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड हम कल फिर से आएंगे आप सबके साथ लाइव। ऑल द बेस्ट, जैसी भी रैंक आई आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपने जितनी मेहनत करी आपको उस हिसाब से रैंक आई है, अब बार बार उस पे सोचने से मतलब नहीं बनता है। अगर आपको कोर, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट योर डू व्हाट योर हार्ट सेज, अगर आपको सूटिक्स में जाना और नहीं मिला है तो रुक जाओ, थम जाओ। अगर आपको ऐसा है कि आपको मोहाली में ही आना है, कुछ भी मिल जाए तो बिंदास कम, यू विल इंजॉय, यू विल लर्न अलॉट इन नाइपर मोहाली। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर, मिलेंगे नाइपर मोहाली में, अगर ऐसा है कि कुछ भी मिल जाए चलेगा। अगर आपको ऐसा है कि आपको बस इसी में इंटरेस्ट, आपको यू वॉन्ट बी एबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन सम अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कुछ लोग हैं जो आई कांट नेम, बट मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है दैट हैव क्वालिफाइड नाइपर, उनको कुछ और करना था बट वो कुछ और कर रहे हैं, बट सिर्फ नाइपर आने के चक्कर में उन्होंने वो सब्जेक्ट ले लिया, नाउ दे आर थोड़ा सा पछता रहे। तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि आपके दिल की सुनो,
और अगर आप ये माइंड सेट से चलते हो कि कुछ भी मिल जाए बस स्नाइपर जाना है तो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी है कि आई वॉन्ट टू डू कॉलेज, आई वॉन्ट टू डू सूटिक्स, आई वॉन्ट बी एबल टू डू केमिस्ट्री, तो मत लेना जबरदस्ती, ठीक है, कोई और स्नाइपर में ले लेना पीछे वाला। ऑल स्नाइपर्स आर गुड, आई वुड नेवर डिमीन एनी स्नाइपर, सारे अच्छे हैं, फैसिलिटीज भी अच्छी है, बस हॉस्टल का थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल का ऊपर नीचे है, बट यस स्नाइपर में टीचिंग हर जगह अच्छी मिलेगी, डोंट वरी, टीचिंग विल बी गुड एवरीवेयर, फैसिलिटीज विल बी गुड एवरीवेयर, ठीक है। चलो देन विल एंड फॉर टुडे, एंड मे बी हम एक और लाइव करेंगे आज रात को 10:30 बजे, तो 10:30 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मैं आपको बताऊंगा आज रात के 10:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल, हैव अ गुड डे, एंड ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मैं डालूंगा, आप अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दो, बेस्ट है, तो मैं रिप्लाई एक एक करके दे पाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो मैं कमेंट अपलोड कर रहा हूँ, सो देयर यू कैन, यस ज्योति, अमरजीत, विकास, ठीक है, मैं सबके डाउट्स तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा आज, बहुत मुश्किल है, बट आपके डाउट्स कमेंट में डाल दीजिएगा इस वीडियो के, मैं जरूर वहां पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। यस यश मिल जाएगा 888, नहीं 88, सॉरी मैंने सिर्फ 88 देखा, ये 888 में तो मुश्किल है डियर बिरादर। यश सॉरी यश का 99 रैंक, हाँ मिल जाएगा यश, सॉरी मैंने कंफ्यूजन हो गया, बिरादर मुश्किल है, यश मिल जाएगा, ठीक है। चलो